जांजगीर चांपा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां तालाब में एक 5 साल के मासूम बच्चे का शव मिला है। मामला डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम बगरेल का है। यहां 5 साल का मासूम बच्चा 30 जून को अचानक घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश करने पर देर रात गांव के तालाब में लाश मिली। बताया जा रहा है कि बच्चे की दोनों आंखों में किसी धारदार हथियार से आंखों को फोड़ दिया गया और उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। एक और जहां मासूम का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर 5 साल के मासूम ने किसी का क्या बुरा किया होगा जो इस तरह उसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।